अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम डीप लर्निंग की सीरीज़ में डेटा ऑगमेंटेशन की रियल टाइम इम्प्लीमेंटेशन देखने वाले हैं कि डेटा ऑगमेंटेशन को रियल टाइम हम इम्प्लीमेंट कैसे कर सकते हैं ओवर द इमेजेस। तो पहले हम गूगल कोलैब को खोलते हैं और उसमें एक न्यू नोटबुक क्रिएट करते हैं डेटा ऑगमेंटेशन के नाम से, और फिर हम देखते हैं कि डेटा ऑगमेंटेशन हम कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं ओवर इमेजेस। डेटा ऑगमेंटेशन इम्प्लीमेंट करना ओवर इमेजेस बिल्कुल सिंपल है। हम विदाउट अ फर्दर डू हम इसे स्टार्ट करते हैं। डेटा ऑगमेंटेशन, ये हमारा टाइटल आ गया। पहला हमारा टास्क होता है कि इम्पोर्ट करना लाइब्रेरीज को, तो पाइपलॉट एज पीएलटी। उसके बाद हम टेंसर फ्लो को इम्पोर्ट करेंगे। उसके बाद हम इम्पोर्ट करेंगे डेटा सेट को फ्रॉम टेंसर फ्लो डॉट केरास डॉट डेटा सेट्स इम्पोर्ट। हमारे पास कौन सा डेटा सेट है? फैशन एमनेस्ट एमनेस्ट। उसके बाद फ्रॉम टेंसर फ्लो डॉट केरास डॉट डॉट प्री प्रोसेसिंग डॉट इमेज। उसके बाद इमेज भी हमारे पास आ गई, इम्पोर्ट इमेज डेटा जेनरेटर। ये हमने लाइब्रेरीज को इम्पोर्ट कर दिया। उसके बाद हम क्या करते हैं, डेटा को लोड करते हैं एक्स ट्रेन वाई ट्रेन, इनको हम ब्रैकेट्स में डाल देते हैं। उसके बाद हमारे पास कॉमा एक्स टेस्ट कॉमा वाई टेस्ट, उसमें हम क्या करेंगे, फैशन अंडरस्कोर एमनेस्ट डॉट लोड डेटा। ये हमारा डेटा भी इसमें आ चुका है। अब हम क्या करते हैं, एक्स अंडरस्कोर ट्रेन इज इक्वल्स टू एक्स अंडरस्कोर ट्रेन डॉट रीशेप, और फिर हम एक्स ट्रेन का सिर्फ उसकी शेप उठाते हैं, किसकी, पहली इमेज की शेप दे दो और उसको चेंज करो 28, 28, 1। और उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम यहाँ पे एस टाइप को भी कर देंगे फ्लोट 32। तो ये हमने इसको रीशेप कर दिया। अब हम क्या करते हैं, डेटा अंडरस्कोर ऑग इज इक्वल्स टू इमेज डेटा जेनरेटर जो हमने लाइब्रेरी इंपोर्ट की थी, उसके अंदर रोटेशन अंडरस्कोर रेंज इज इक्वल्स टू 50 हम दे देते हैं उसे रेंज को। उसके बाद हम क्या करते हैं, हमारे पास ये लिस्ट ऑफ वेरिएबल्स आ चुके हैं, विड्थ शिफ्ट रेंज उसे हम 0.01 डिफाइन कर देते हैं, और हाइट एच ई होगा हाइट अंडरस्कोर शिफ्ट अंडरस्कोर रेंज इज इक्वल्स टू 0.01। तो ये हमारे पास हमारे वेरिएबल्स डिफाइन हो गए। अब हम डेट ऑग को डिफाइन करते हैं। अब हम क्या करेंगे, ऑग डेटा अंडरस्कोर ऑग डॉट फ्लो। फ्लो एक कमांड होती है जिसके थ्रू हम कंट्रोल कर सकते हैं डेटा को। अब यहाँ पे एक्स को हमें डिफाइन करना पड़ेगा कि कहाँ से कहाँ तक डेटा होना चाहिए। आप इसे ऐसे भी कह सकते हो कि फ्लो के थ्रू हम वो बताते हैं। और यहाँ पे उसमें एक दूसरा भी वेरिएबल होता है बैच साइज के नाम से, जिसमें हम बैच साइज 1 ही रखना चाहते हैं। अब हमारे पास आएगा मैटप्लॉटलिब का काम। फॉर आई इन रेंज, रेंज हमारे पास क्या है, 1 से लेकर 6 तक, और उसके अंदर हमें क्या करना है, रेंज के अंदर पहले तो हमें सब प्लॉट बनाना है। तो पी एल टी डॉट सब प्लॉट, उसके अंदर हम क्या करेंगे, 1, 5, i। ये हम उसकी डायमेंशंस को डिफाइन कर रहे हैं। एक ही रो में 500 इमेजेस आ जानी चाहिए, 5 कॉलम्स हो जाएंगे। पहला हमारा रो होता है, दूसरा कॉलम होता है, और वो हम डिफाइन करते हैं एज पर आवर रेंज के, उसी में ही अगर हमें रखना है तो। उसके बाद हमारे पास क्या होता है, हम एक कमांड लगा लेते हैं यहाँ पे plt.show, जो कि हमारी लास्ट की कमांड है। उससे पहले हमें यहाँ पे plt में
पिक्चर्स को शो करने के लिए आई एम शो की एक कमांड होती है, वो यूज करनी पड़ेगी। आई एम शो, उसके अंदर हमें क्या शो करना पड़ेगा, उसके अंदर मल्टीपल पैरामीटर्स होते हैं, उसमें से हमें जो यूज़ करने हैं वो हैं, पहले हमें इमेज को कॉल करवाना है, इमेज डॉट नेक्स्ट डॉट स्क्वीज डॉट स्क्वीज। इस कमांड के थ्रू हम पीएलटी डॉट एक्सेस उसको भी ऑफ रखना है। तो अब क्या होगा, अब हमारे पास एक ही इमेज की मल्टीपल इमेज जनरेटेड आएंगी और वो डिफरेंट शेप में होंगी। वो कैसे, ये देखें, हमारे पास इमेज क्या होती है, सिंपल सीधी डायरेक्शन में होती है, पर इसकी वजह से वो रोटेट हो चुकी है, उसकी विड्थ और हाइट भी चेंज हो चुकी है। तो ऐसे ही हम डिफरेंट नंबर ऑफ इमेजेस बना सकते हैं और उसे डेटा जनरेट कर सकते हैं और अपने डेटा की एक्यूरेसी बढ़ा सकते हैं। तो अब आपके लिए होम टास्क ये है कि आपको डेटा ऑगमेंटेशन किसी भी एक डेटा सेट पर इम्प्लीमेंट करना है और उसकी एक्यूरेसी हमें पहले दिखानी है और फिर डेटा ऑगमेंटेशन करने के बाद भी दिखानी है उसकी एक्यूरेसी। सो दैट इज़ इट फॉर टुडे गाइस, हम मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।